Hello students, I'm Nina Pandey. Welcome you all in SAY classes. So students, today we are going to start your new chapter that is Human Health and Diseases. अब देखो इसमें दो terms हैं. First is the health and second is the disease. So first let us talk about these two terms and then we will move towards the chapter. अब देखो इसमें क्या है. First आपका term है health. Health मतलब क्या? So health is a state of being well. यानी कि state है जिसके अंदर जो पर्सन है वो क्या है वेल वेल मतलब कि ठीक है. अब वो ठीक किस किस एस्पेक्ट में होना चाहिए. सो ही मस्ट बी वेल इन हिज फिजिकल मेंटल एंड सोशल. ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं इन तीनों एस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए. फिजिकल मतलब कि उसकी जो फिजिक है वो ठीक होना चाहिए है ना. वो एक फिजिकल वर्क आप उसको कोई भी दे दो तो वो क्या हो वो प्रॉपरली कर सके. उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका जो हाइट है वो क्या है प्रॉपर है. एज उसका जो वेट है वो ओवर वेट नहीं है वो पर्सन वो क्या है नॉर्मल वेट है उसका. तो ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स में अगर वो ठीक है दैट मीन्स वो क्या है फिजिकली फिट है. मेंटली फिट होने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेस की कंडीशन में तो नहीं है. क्या वो पर्सन डिप्रेशन की कंडीशन में है या उसकी जो मेंटल एज है वो कम है एज कंपेयर टू उसकी जो एज है. यानी कि जिस एज के अंदर उसका जितना इंटेलिजेंस होना चाहिए था क्या उसकी इंटेलिजेंस उतनी है. अगर नहीं है तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन क्या है मेंटली फिट है. तो मतलब उसका मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है एज वेल एज सोशल हेल्थ. मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहां पे उसका बिहेवियर कैसा है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो क्या दूसरों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है. तो ये सारी चीजें क्या है उसके हेल्थ में. अब अगर जो पर्सन है उसका फिजिकल मेंटल और सोशल एस्पेक्ट सभी में वो क्या है ठीक है वेल है तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं कि वो हेल्दी होगा. और हेल्थ क्या है स्टेट जिसमें क्या है ये चीजें क्या हो सारी की सारी ठीक हो. और अगर पर्सन क्या है इन तीनों एस्पेक्ट्स में वो क्या है फिट है तो वो क्या होगा हेल्दी होगा. अब देखो डिजीजेस डिजीज जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है. फर्स्ट इज द डिस सेकंड फर्स्ट वर्ड है डिस और सेकंड है ईज यानी कि विदाउट ईज. ईज मतलब कि आप कंफर्टेबली कोई भी काम कर पा रहे हो है ना. तो डिजीज का मतलब क्या होगा एक ऐसी स्टेट जिसमें जो पर्सन है या उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली. कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स किसी भी पर्सन के अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो वो क्या होगा उसके अंदर एक डिजीज कहलाएगा ठीक है. अब हेल्थ जो है हमारी पहले हम हेल्थ को थोड़ा सा और समझेंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स दिस डिजीज. अब जो हमारी हेल्थ है देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर हेल्थ. यहाँ पे क्या है हम कुछ एक फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को. और लेकिन से किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करेंगे. फर्स्ट जो इसमें फैक्टर आएगा वो क्या है इसमें जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स. लेट्स सपोज जो पर्सन है उसके अंदर क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे उनके अंदर कोई जीन जेनेटिक डिसऑर्डर था जो कि वहाँ प्रेजेंट. तो उस केस में वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होती है उन पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगी ट्रांसफर होगी. इसमें आपका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया एज वेल एज हमने जब हमारा जो चैप्टर किया था जेनेटिक्स वाला उसमें हमने और भी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था जिसमें आ गया था हीमोफीलिया फिनाइल किटोयूरिया डाउन सिंड्रोम और भी बहुत सारी थी. तो ये जो डिजीजेस हैं दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हमेशा क्या होती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के पास क्या होंगी ट्रांसफर होंगी. पेरेंट्स से जो भी उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है ये ट्रांसफर हो जाती हैं. तो उस केस में क्या हुआ जो फैमिली है उनकी फैमिली की जो पेडिग्री चल रही है वो भी क्या होती है किसी भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करेगी. सेकेंड जो फैक्टर है इसके अंदर वो क्या होगा उसका एनवायरमेंट ठीक है. सेकेंड जो है इसमें वो क्या उसकी सराउंडिंग
दैट मीन्स वो पर्सन रह कहाँ रहा है. लेट सपोज देर आर टू सिचुएशन. वन कंडीशन क्या है, जहाँ पे जो पर्सन रह रहा है उसके चारों ओर की जो सराउंडिंग है वो क्लीन है, देर आर ग्रीनरी. बट जो सेकेंड पर्सन रह रहा है वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है जिसकी जो सराउंडिंग है वो क्लीन नहीं है, देर आर लॉट ऑफ गार्बेज इन हिज सराउंडिंग एज वेल एज ग्रीनरी भी नहीं है. लेट सपोज अगर हम गार्बेज नहीं भी लेट करेंगे तो उस केस में लेट वहाँ पे मान लो काफी ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर रह रहा है वो, तो उस केस में उसकी जो इफेक्ट होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली अफेक्ट होगी. आप खुद सोचो अगर आप सुबह उठ रहे हो, एक तो आपको चारों तरफ साफ सफाई दिखाई दे रही है, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो यू विल फील फ्रेश, राइट. बट सेकंड केस जो हमने लिया, सुबह सुबह उठे हो और तुम्हें चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो उस केस में तुम्हारा जो माइंड है वो क्या होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस में जितना कर सकता था. तो ये क्या है, जो सराउंडिंग है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है. एज वेल एज जो फूड एंड वाटर है वो भी क्या करेंगे, किसी भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे. फूड एंड वाटर किस तरीके से करेगा, लेट सपोज कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, बट जो सेकंड पर्सन है वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा, यानी कि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा. तो जो पर्सन बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है या हाइजीनिक फूड नहीं ले रहा है, तो उस केस में उसको डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन विच इज हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट एज वेल एज वो हाइजीनिक फूड ले रहा है. हाइजीनिक फूड मतलब कि लेट सपोज आप अनकवर्ड फूड खा रहे हो या फिर कवर्ड फूड खा रहे हो. अगर जो फूड है उसको हमने प्रॉपरली कवर करके रखा हुआ था तो उस केस में उसके ऊपर जो फ्लाइज हैं वो नहीं आएंगी. बट जो अनकवर्ड फूड था उसके ऊपर हो सकता है कि जो फ्लाइज थी वो विजिट करें और जो फ्लाइज है वो कैरी करती है काफी सारे जर्म्स को. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर कोई उस जो फूड है जिसके ऊपर काफी सारे फ्लाइज आके बैठ चुके हैं उस फूड को कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होंगे वो एंटर करेंगे और वो उसकी हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. एज वेल एज जो वाटर है, अगर जो वाटर है वो क्या है, क्लीन और पोर्टेबल वाटर नहीं है तो उस केस में भी क्या होगा, या कंटामिनेटेड वाटर है उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट है तो उस केस में भी क्या करेगा, जो हमारी हेल्थ होगी उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. तो ये क्या हुआ, फूड एंड वाटर हुआ. एज वेल एज जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी मतलब कि मनी. अब देखो इकोनॉमी में हम मेनली रखेंगे कि जो फैमिली का स्टेटस है वो. अब लेट सपोज कोई फैमिली है जिसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या कहीं से भी कोई भी मनी नहीं आ रहा, उनके पास पैसा ही नहीं है. तो जब पैसे ही नहीं होंगे एज के आज के टाइम पे एज यू नो कि हमें कोई भी चीज खरीदनी है, लेट सपोज आपको फूड लेना है तो उसके लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी. अब ये फैमिली ऐसी है जिसके पास पैसा है ही नहीं कि वो उस फूड को परचेज करे, तो उस केस में जब उसको फूड ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, तो उस केस में वो हेल्दी नहीं रह सकता, उसकी हेल्थ क्या होगी, डायरेक्टली अफेक्ट होगी. एज वेल एज जो सेकंड फैमिली है उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए फूड को परचेज कर पा रही है, तो उस केस में वो क्या करेगी, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी उसको परचेज कर सकती है, तो वो क्या होगी, एक हेल्दी लाइफ को जिएगा. तो ये क्या है, हमारा फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अब हम मूव करें अगर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजीज, जो हमने कहा था इसको हम पढ़ेंगे. अब देखो जो डिजीजेस होती हैं, एज यू नो दे आर ऑफ टू टाइप्स. डिजीज कितने तरीके की होती है, हमारी दो तरीके की होती हैं. अब फर्स्ट जो डिजीज होती है वो होती है या तो उसको हम इन्फेक्शियस बोलेंगे और यू कैन से कॉम्युनिकेबल डिजीजेस. तो ये कौन सी डिजीज होंगी, कॉम्युनिकेबल यानी कम्युनिकेट हो सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है. तो इन्फेक्शंस और कॉम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम अ अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. यानी कि एक अनहेल्दी पर्सन जिसको वो डिजीज है उससे अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी. अब ये जो डिजीज होती हैं ये स्प्रेड कैसे होंगी, तो दे स्प्रेड वाया एयर, वाटर, वेक्टर्स और फॉर्माइट. ये क्या है, वो तरीके हैं जिनके थ्रू जो कम्युनिकेबल डिजीज होगी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगी.
लेट्स सपोज एयर और वाटर के थ्रू किस तरीके से होगा, एज वेल एज यहाँ पे हम फूड भी लेंगे, जो फूड होता है उसके थ्रू भी क्या होगा ये ट्रांसफर हो सकता है। अब देखो एयर और जो वाटर है, लेट्स सपोज कोई पर्सन था उसको जो डिजीज थी वो है, और वो डिजीज क्या है, लेट्स सपोज कोई वायरल डिजीज थी, उस केस में अगर वो पर्सन क्या कर रहा है वहां पे कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है विदाउट कवरिंग हिज माउथ एंड जो नोज है उसको कवर किए बिना वो क्या कर रहा है वहां पे कफ और स्नीज कर रहा था, इन दैट केस क्या होगा, जो एयर ड्रॉपलेट्स होंगे और यू कैन से जो एयर एरोसोल्स होंगे वो क्या होंगे उस एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उस एयर के कॉन्टेक्ट में आया, उसने इस एयर को इनहेल किया, तो उस केस में क्या होंगे ये जर्म्स क्या होंगे उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, उसको डिजीज हो जाएगी। वाटर के केस में क्या होगा, अगर जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है यानी उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट थी, तो उस केस में क्या होगा वो वाटर अगर कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसको वो क्या होगी डिजीज हो जाएगी। इन द सेम वे फूड, लेट सपोज जो पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन है उसने क्या किया वोमिट किया या जो उसका फिकल मैटर है वो ओपन में प्रेजेंट है, ठीक है, अब जो वो जर्म्स थे उसके अंदर उनको क्या करेगी, यहाँ से जो वेक्टर है हमारा, वेक्टर कौन है यहाँ पे हमारा हाउस फ्लाई, ये जो हमारी हाउस फ्लाई थी ये क्या होगी पहले उस वोमिट के ऊपर या जो उसका फिकल मैटर था उसके ऊपर शिफ्ट करेगी, आफ्टर दैट वो क्या करेगी मूव करेगी और लेट सपोज कोई अनकवर्ड फूड रखा था उसके ऊपर वो बैठ गई, अब उसने क्या किया उन जर्म्स को ट्रांसफर कर दिया है और अब ये जो वेक्टर था वो क्या करेगा इस फूड को कंटामिनेटेड कर देगा और अब अगर कोई ये फूड खाएगा तो उसको वो डिजीज क्या होगी हो जाएगी। फॉरमाइट बोर्न मतलब कि जो बिलोंगिंग्स होती हैं ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, लाइक हिज क्लोथ्स, उसके यूटेंसिल्स हो सकते हैं या कोई भी, लेट सपोज जो डोर का नॉब होगा वो, हैंडल ऑफ द डोर हो गया या जो भी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें यूज कर रहे हैं, अगर वो क्या है सैनिटाइज नहीं की उसने आफ्टर जब वो ठीक हो गया या लेट सपोज उसको अभी वो डिजीज है उस टाइम पे भी वो उनको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं कर रहा, हेल्दी पर्सन जैसे उसके कॉन्टेक्ट में आएगा उसको वो डिजीज क्या होगी हो जाएगी। लेट सपोज कोई पर्सन है उसको फ्लू है, उसने क्या किया कफ और स्नीज किया, उसने अपने हाथ जो थे वो वॉश नहीं किए, अब उस केस में क्या हुआ उसकी जो बुक थी नोटबुक थी उसने उसको टच किया, जो जर्म्स थे वो ट्रांसफर हो गए ऑन दैट बुक और जो भी उसने टच किया उसके ऊपर, अब कोई हेल्दी पर्सन क्या होगा उस बुक के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको डिजीज हो जाएगी। तो इसमें अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल लो तो वो क्या होगा हमारा जो चिकन पॉक्स है वो इसी के तरीके से फैलता है और जो कोरोना डिजीज है वो भी इसी के थ्रू फैल रही है, तो ये क्या होंगे फॉरमाइट बोर्न डिजीज होंगे। तो ये क्या थे वो तरीके जिसके थ्रू इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है स्प्रेड होती है। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है हमारी नॉन इन्फेक्शियस और यू कैन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रहा था, तो नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होगा कि वो उसके अंदर नहीं जाएगा, इस केस में क्या होगा ये वो डिजीज होती हैं जो कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर खुद ही फॉर्म होंगी, या तो वो किसी बॉडी पार्ट के मेल फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, जो हमने ये हेल्थ वाला बोला था इसमें हमारा हॉर्मोन्स वगैरह रह गया था, तो जो ये हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लेट सपोज वो हॉर्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो उस केस में वो डिजीज हो सकती है, तो ये या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हमने बोले वो, तो ये जो डिजीजेस होंगी ये क्या होंगी नॉन कम्युनिकेबल होंगी क्योंकि ये वो उस पर्सन के अंदर हुई और उसी पर्सन के अंदर रहेंगी, किसी और पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगी। इसमें आपका एग्जांपल है डायबिटीज का, जो डायबिटीज डिजीज है वो, एज वेल एज जो बीपी की प्रॉब्लम होती है पर्सन को वो इसी के अंदर आएगा, कैंसर जो डिजीज होगी वो क्या होगी इसी टाइप की डिजीजेस के अंदर आता है, तो ये क्या है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये किसी भी पर्सन के अंदर जब अक्कर करेंगे तो इसका मेन रीजन क्या होता है मेल फंक्शनिंग, कि जो वो पर्सन था उसका जो कोई बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, लाइक अगर डायबिटीज है तो उस केस में क्या हुआ उसका जो पैनक्रियास था उसने क्या किया प्रॉपरली काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा उस पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है इसका मतलब क्या होगा कि जो वो काफी ज्यादा लेट सपोज टेंशन ले रहा था स्ट्रेस ले रहा था या उसके अंदर शुगर लेवल कम हो गया जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो गया, तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको लीड करेंगे। कैंसर के अंदर क्या होगा जो उसकी सेल्स होगी वो मल्टीप्लाई होती जा रही है और एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रही है, तो
तो ये क्या होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर अकर करेंगी। वी विल कवर ओनली द एनसीईआरटी पार्ट, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में डिजीज गिवन है हम सिर्फ उनको ही करेंगे। सो लेट्स स्टडी कि कौन कौन सी डिजीज हैं और उनके पॉजिटिव एजेंट क्या होंगे और उस डिजीज के अंदर क्या कुछ होगा उस पर्सन को जिसको वो डिजीज हो गई है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजीज के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट कि कौन कौन सी कॉमन डिजीज होती हैं, फर्स्ट लेट्स स्टडी द टर्म दैट इज पैथोजन। कि पैथोजन्स क्या होते हैं, सो पैथोजन्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे। मोस्टली क्या होते हैं, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली कहा हमने कि मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एंटर इनटू आवर बॉडी। क्या करेंगे, हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, कॉज करेंगे डिजीज को। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर इनटू आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो जब डिजीज कॉज करेगा तो उसको हम कहेंगे पैथोजन। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ठीक है, हेलमिंस के अंदर ही वॉर्म्स आ जाते हैं। तो ये क्या होंगे, वो एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज करेंगे, तो ये क्या है, पैथोजन। अब ये जो पैथोजन होंगे ये एक्ट करते हैं एज अ पैरासाइट इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में जब एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, पैरासाइट के तरीके से रहता है, यानी कि जो भी इसको नरिशमेंट रिक्वायरमेंट होंगी अपनी ग्रोथ के लिए वो सारे के सारे ये हमारी बॉडी से लेगा और बदले में क्या कर रहा है, ये हमें हार्म कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज करेगा। किसको, पैरासाइट है, तो यानी जिसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ वो क्या होगा, उसका होस्ट। तो यानी कि लेट्स सपोज हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हम उसके होस्ट होंगे और अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ कर रहा है तो बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट। तो इस तरीके से डिजीज कॉज करेंगे। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो उस केस में ये अपने आप को हमारी बॉडी के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर वो स्टमक रीजन में प्रेजेंट है, स्टमक में आपको पता है कि जो हमारा पीएच होता है वो काफी लो होता है, अबाउट 2 होगा, है ना, अब इतना लो है यानी कि हाईली एसिडिक है। तो उस केस में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ है जो कि वहां इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा कि वो इस पीएच पे क्या करे, जिंदा रह सके। अगर वो इस पीएच पे जिंदा नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, वो मर जाएगा। एज वेल एज जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो होस्ट की बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, रह करके ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जो ये हमारे पैथोजन्स हैं, इनमें से कौन सा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज को कॉज करेगा। जो पैथोजन्स होंगे एज यू नो ये क्या होंगे, स्प्रेड होंगे फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो उस केस में जब ये ट्रांसफर होंगे तो ये क्या होंगे, या तो वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे या फिर डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है, यानी कि अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लेट्स सपोज आपने हैंडशेक किया, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए, तो उस केस में भी क्या होगा, ये जो डिजीज होंगी वो ट्रांसफर होंगी। अब देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल जो डिजीजेज होती हैं उनके बारे में, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर कौन कौन से डिजीज कॉज करेगा। तो इसमें है टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग एंड डिसेंट्री। दीज आर द डिजीज दैट आर कॉज इन ह्यूमन बींग्स बाय द बैक्टीरिया। अब जो फर्स्ट है दैट इज टाइफाइड फीवर, इसको कौन कॉज करेगा, सो इट इज कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। दिस इज द बैक्टीरियम विच कॉजेज द डिजीज नेम टाइफाइड फीवर। इसके अंदर क्या होगा, जब भी कोई पर्सन था उसने लेट सपोज कंटामिनेटेड फूड और वाटर को ईट किया तो वो क्या होगा, जो हमारा पैथोजन है दैट इज द बैक्टीरियम, वो भी साल्मोनेला टाइफी, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा और ये रीच करेगा कहाँ पे, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन होता है उसके अंदर ये एंटर करेगा और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, जो ये टाइफाइड फीवर डिजीज है इसको कॉज करेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उस टाइम पे
जब ये डिजीज हो गई तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी इसके लक्षण दिखाई देंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर हाई फीवर, जो पर्सन होगा उसको क्या होगा, हाई फीवर होगा, 39 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक उसका बॉडी टेम्परेचर जा सकता है। एज वेल एज क्या होगा, हेडेक यानी कि सर दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, उस पर्सन को भूख नहीं लगेगी जिसको ये डिजीज होगी। एज वेल एज इसके केस में क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, जो पर्सन होगा उसको क्या होगा, वीकनेस फील होगी, कब, जब उसको टाइफाइड फीवर हुआ उस टाइम पे। अब टू कंफर्म दिस टेस्ट, लेट्स सपोज किसी पर्सन के अंदर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो जो टाइफाइड फीवर है इसको कंफर्म करने के लिए इसका एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वाइरल टेस्ट। ठीक है, वाइरल टेस्ट क्या होगा, परफॉर्म किया जाएगा बाय द डॉक्टर। तो वो क्या करवाएंगे, इस टेस्ट के थ्रू कंफर्म करेंगे कि जो पर्सन है उसको टाइफाइड फीवर है या नहीं है। अगर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसको ये डिजीज है दैट इज द टाइफाइड फीवर। इसमें आपका एक नाम है एक पर्सन का दैट इज मैरी। ठीक है, हर फुल नेम इज मैरी मेलन। ठीक है, इनका पूरा नाम है मैरी मेलन, शी इज ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड मैरी। टाइफॉइड मैरी क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि इस ये जो टाइफाइड मैरी थी इनको क्या था, डिजीज थी टाइफॉइड फीवर, बट ये इसके जो पॉजिटिव एजेंट था ना साल्मोनेला टाइफी, इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था लेकिन इनको ये बीमारी हुई नहीं। ठीक है, ये जो टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया था इट वॉज प्रेजेंट इन हर बॉडी बट उनको वो बीमारी नहीं थी, सो शी वॉज बिहेविंग और शी वॉज एक्टिंग लाइक अ कैरियर ऑफ द डिजीज नेम्ड टाइफाइड, वो इसका कैरियर का काम करेगी। अब देखो कैरियर कौन होगा, जो कि उसके अंदर वो पैथोजन तो प्रेजेंट है बट उसको खुद को वो डिजीज नहीं हो रही है, जब वो किसी थर्ड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उस पर्सन को वो डिजीज हो जाएगी। तो इन द सेम वे शी वॉज एक्टिंग एज अ कैरियर, और जो भी ये फूड कुक करती थी, जिसको भी सर्व करती थी, तो जिसको उन्होंने खाना खिलाया बना के, उन सबको क्या हुआ, टाइफाइड फीवर हो गया। सो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो हमारी कौन सी है, न्यूमोनिया। सो अब हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में। जो न्यूमोनिया है इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू ही कॉज होती है। इसमें जो हमारा बैक्टीरियम है जो कि इसको कॉज करेगा, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये क्या है, बैक्टीरियम है दैट विल कॉज दिस डिजीज नेम न्यूमोनिया। इसके अलावा एक और बैक्टीरियम होता है जो कि इस डिजीज को कॉज करता है, इट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या है, दो बैक्टीरियम है जो कि इस न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करेंगे। ये जो डिजीज होगी वो स्प्रेड कैसे होती है, तो ये स्प्रेड होगी वाय द एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, लेट्स सपोज कोई पर्सन था जिसको न्यूमोनिया था, वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो उस केस में क्या होगा, जो एयर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे इनटू द एटमॉस्फेयर, उस के कांटेक्ट में जैसे कोई हेल्दी पर्सन आएगा उसके अंदर ये क्या होंगे, एंटर होंगे। इसमें जो मेन पार्ट अफेक्ट होता है बॉडी का वो क्या होगा, लंग्स। लंग्स के अंदर भी जो मेन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, हमारा एल्वियोली रीजन। जो एल्वियोली रीजन है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा इन केस ऑफ दिस न्यूमोनिया डिसऑर्डर। अब इसकी अगर हम बात करें कि इस बीमारी में होगा क्या, तो जो ये एल्वियोली रीजन है इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा, एज ए रिजल्ट जो पर्सन होगा उसको ब्रीद करने में क्या होगा, डिफिकल्टी फील होगी। और जो सिम्टम्स है वो इसके क्या है, हेडेक, फीवर, चिल, कफ, और इसके साथ साथ लेट सपोज ज्यादा ही उसको वो डिजीज हो गए, तो उसके इसमें उसके जो नेल्स होंगे एज वेल एज उसके जो लिप्स होंगे वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या था, निमोनिया डिसऑर्डर कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। अब इसके बाद जो डिप्थीरिया है, प्लेग है और डायसेंट्री है, दे आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरियम। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू ही कॉज होंगे। जो ये डिजीज है ये किस किस के थ्रू कॉज होंगे, तो जो डिप्थीरिया होगा तो ये होता है बाय बैक्टीरियम नोन एज कोरिन बैक्टीरियम।
जो कोरिन बैक्टीरियम होगा वो क्या करेगा, कॉज करेगा इस डिप्थीरिया डिजीज को। जो प्लेग है ये किसके थ्रू कॉज होता है, यानी कि कौन सी बैक्टीरिया की स्ट्रेन होगी वो कॉज करेगा। जो प्लेग है इसको हम ब्लैक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, सो इट इज कॉज बाय यर्सिनिया पेस्टिस। ये कॉज होता है यर्सिनिया पेस्टिस के थ्रू, दैट इज द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम, वो क्या करेंगे इस प्लेग डिजीज को कॉज करेंगे। लास्ट जो डिजीज है इसके अंदर वो आपकी क्या है, डायसेंट्री डिजीज है, और ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है जिसको बैक्टीरिया ही क्या करेगा, कॉज करेगा। सो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ डिटेल जो है वो टाइफाइड एंड निमोनिया का गिवन है, सो हम इसको ही करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो वायरल डिजीज होंगी वो कौन कौन सी कॉज होती है इन केस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। तो हम पढ़ेंगे कौन सी वायरल डिजीज के बारे में, सो लेट्स स्टडी अबाउट वायरल डिजीज। अब देखो वायरल डिजीज में सबसे पहला जो नाम आता है हमारे माइंड में वो क्या होता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है, एक डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय वायरस, और कौन सा वायरस उसको कॉज करता है, राइनो वायरस। ठीक है, जो राइनो वायरस होगा वो क्या करता है, कॉमन कोल्ड को कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। और कॉमन कोल्ड में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो तो बताने की भी नीड नहीं है, वो तो हम सबको पता ही है। सोर थ्रोट होगा, यानी कि गले में खराश से फील होना हमें। इसके अलावा क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक में से पानी निकलना, हेडेक होना। और ये भी आपको पता है कि जो कॉमन कोल्ड होगा वो क्या होगा हमारा, विद इन 3 to 7 days क्या होता है, ठीक भी हो जाता है ना। इसके अंदर मेनली जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट का अपर हिस्सा है, यानी कि ये लंग्स तक नहीं जाता इसका इन्फेक्शन, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा हमारा, यानी कि जो नेजल पैसेज है यहीं तक रहता है जो ये राइनो वायरस होगा वो। और ये जो डिजीज है यानी कि जो कॉमन कोल्ड है वो हमारा 3 to 7 days तक क्या होता है, रहता है। अब आपका इसके अंदर एक HIV की भी डिजीज आएगी जो कि क्या है, वायरस से कॉज होती है। एज यू नो HIV जो है वायरस है जो कि कॉज करता है क्या, एड्स डिजीज को। अब ये जो है ये आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसका, तो डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी वो क्या है, प्रोटोजोआन की। किसकी है, प्रोटोजोआन की। प्रोटोजोआन में आपका एग्जांपल जो बेस्ट गिवन है बुक के अंदर वो क्या है, मलेरिया का। और मलेरिया के अंदर आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल जो है उसको भी क्या है, लर्न रखना है। ठीक है, अब जो प्रोटोजोआन है इट विल कॉज द डिजीज नोन एज मलेरिया। आपको पता है मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज होंगी वो लर्न रखनी है आपको। वाइवैक्स तो आप सबने अभी तक पढ़ा ही है, लाइक हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मलेरिया को कॉज करते हैं। यस यू आर राइट, बट इसके अलावा और भी स्ट्रेन्स होती है इसमें। सेकेंड जो स्ट्रेन है वो इसकी क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रेन है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखो ये तीन स्ट्रेन हो गई, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। इन तीनों में जो सेकेंड वाला है ये वाला, दिस इज द मैलिग्नेंट वन, यानी कि ये क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है सबसे ज्यादा, मैलिग्नेंट यानी कि सबसे ज्यादा फैटल यही वाला होगा। अब देखो आपको पता है कि जो ये प्रोटोजोआन है दैट विल कॉज द मलेरिया डिजीज, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है बस जस्ट बिकॉज ऑफ अ मॉस्किटो बाइट। जो मॉस्किटो होता है जब वो हमें बाइट करता है तो क्या होगा, मलेरिया डिजीज होगी। अब कौन सा मॉस्किटो है जो कि बाइट करेगा तो ये डिजीज होगी। अब मॉस्किटो बाइट में आपको याद रखना है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से क्या होगा, जो ये प्रोटोजोआन होगी दैट इज प्लाज्मोडियम वो क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद ये कॉज करता है द डिजीज नेम्ड एज मलेरिया। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है तो उसको समझते हैं कि जो मलेरिया होगा वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जो डिजीज है उसको कॉज करता है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम वो किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को जो है वो कंप्लीट करेगा उसको समझते हैं अब हम। तो जो हमारा ये
पैरासाइट है दैट इज द प्लाज्मोडियम, वो दो पार्ट्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. फर्स्ट है उसका मॉस्किटो का गट और सेकंड क्या है ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एज वेल एज जो मॉस्किटोज होंगे उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा. हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है वो होती है इसकी ए सेक्शुअल वाली, ठीक है. और जो मॉस्किटो होगा उसके गट के अंदर जब ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है तो वो कौन सी होती है, इसकी सेक्शुअल लाइफ साइकिल होती है. ऐसा क्यों, ये दो जगह पे क्यों कर रहा है, एज बिकॉज जो टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो सारी की सारी कंडीशन इसको मिलती हैं हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में. लेकिन जो सेक्शुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो इसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसको मिलेंगी कहाँ पे, जो मॉस्किटो का गट होगा यानी कि मॉस्किटो का जो एलिमेंट्री कैनल रीजन है वहाँ पे क्या होगा ये इसको मिलेगा. अब स्टडी करते हैं हम इसको कि किस तरीके से ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है. तो जैसे ही ये जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है ये बाइट करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होंगे, ये जो स्पोरोजोइट्स दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट दैट इज द प्रोटोजोन, इसके जो ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इज द स्पोरोजोइट वो क्या करेगी, एंटर कर जाएगी इनटू द पर्सन्स बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बींग है उसकी बॉडी में एंटर हुआ. अब यहाँ से एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द लीवर. लीवर में क्या हुए, ये मूव हुए. लीवर की जो सेल्स होती हैं दैट आर नोन एज हिपेटोसाइट्स, वहाँ जाकर के ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे. एट दिस प्लेस ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे हिपेटोसाइट के अंदर एंटर होने के बाद. लेट सपोज दिस इज द हिपेटोसाइट, इसके अंदर ये जो मेरोजोइट था ये एंटर हुआ, यहाँ पे क्या होगा फिर डिवाइड करेगा और कॉन्टीन्यूटी में डिवाइड करते हुए अपने नंबर को इंक्रीज करेगा. एट द एंड जो ये सेल होगी वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी और बर्स्ट होने के बाद क्या होगा, जो ये सारे के सारे जो यहाँ पे ये अब फॉर्म हुए ना हमारे स्पोरोजोइट्स, ये क्या होंगे, जो ये स्पोरोजोइट था ये अब कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, मेरोजोइट में, और ये जो मेरोजोइट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे. अब ये जो मेरोजोइट्स हैं वो क्या होंगे, इस लीवर को छोड़ करके एंटर कर जाएंगे इनटू अवर आरबीसी दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है. तो ये जो लाइफ साइकिल थी इनकी, ये थी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि आरबीसी के बाहर था ये अभी. अब यहाँ से ये आरबीसी के अंदर एंटर हो गया, यानी कि ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इसकी स्टार्ट हो गई. जैसे ही ये आरबीसी के अंदर एंटर करेगा यहाँ पे भी क्या होंगी, इसकी जो सेल्स होंगी, ये जो मेरोजोइट था ये क्या होंगे, इसके अंदर डिवाइड करेंगे अपने आप को. जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर क्या होंगे, जाकर के ये अपने आप को डिवाइड करेंगे और एक रिंग को फॉर्म करेंगे. फिर उसके बाद ये फॉर्म करेंगे ट्रोफोजोइट, यानी कि पहली जो स्टेज थी वो हमारी स्पोरोजोइट थी, सेकेंड जो स्टेज थी वो जोइट आने वाली है. तो ये अर्ली ट्रोफोजोइट को इसने फॉर्म किया, एज वेल एज यहाँ पे ये जो भी इनका वेस्ट होगा वो एक केमिकल फॉर्म में दैट इज नोन एज हीमोजोइन. इस हीमोजोइन की फॉर्म में ये क्या करेंगे, इस वेस्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वेस्ट होगा वो कलेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ पे ये एज इट इज एक्यूमुलेट होता रहेगा. आफ्टर दैट क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी दैट इज नोन एज सिज़ोंड, और उसके बाद क्या होंगे, ये मेरोजोइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और ये मेरोजोइट्स अगेन क्या होंगे, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, जो आरबीसी है वो रप्चर होगी. अब देखो यहाँ पे ये जो हमें येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये हीमोजोइन है जो कि क्या कर रहे थे, जब ये डिवाइड कर रहा था कॉन्टीन्यूटी में तो ये क्या कर रहा था, सिक्रीट कर रहा था. ये जो हीमोजोइन होगा जैसे ही हमारा आरबीसी रप्चर हुआ, ये हीमोजोइन भी क्या होंगे, इनके साथ इन मेरोजोइट्स के साथ क्या होंगे, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे. अब देखो ये जो हीमोजोइन है जब ये रिलीज़ होता है इसी की वजह से क्या होगा, जो चिल यानी कि हमें पता है मलेरिया फीवर के अंदर सिम्टम्स में क्या रहता है कि जो पेशेंट होगा उसको एक बार तो क्या होगा ठंड लगेगी और एक बार क्या होगा उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर होगा. तो ये जो चिल है और जो हाई फीवर है जो कि रीअकर करता है हर एक 3 से 4 दिन के बाद, वो क्यों होगा, जब ये जो हीमोजोइन है वो क्या होगा, रिलीज होगा. यानी कि ये जो हीमोजोइन है
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days. आफ्टर दैट वट विल हैपन, ये जो RBC में से ये जो हमारे मीरोजोइट्स है वो अब बंद करके निकल गए हैं, उसके बाद क्या होगा, कुछ एक तो इनमें से क्या होंगे, वापस से री एंटर कर जाते हैं इनटू द आरबीसी, आरबीसी के अंदर फिर से चले गए और आरबीसी को अगेन वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और सम ऑफ देम गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैमीट्स, और यू कैन से गैमेटोसाइट, कुछ क्या होंगे इसमें से गैमेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. सम ऑफ देम विल कन्वर्ट इनटू द फीमेल गैमेटोसाइट, जो ये हमारा साइन है, दिस साइन इज फॉर फीमेल, और कुछ एक जो होंगे वो क्या होंगे, मेल जो गैमेटोसाइट होगा उसके अंदर कन्वर्ट होंगे, तो दिस इज द मेल गैमेटोसाइट. आफ्टर दैट ये क्या होगा, जो हमारा ये जो दोनों गैमेट्स होंगे ये क्या होंगे, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट, अभी तक ये क्या थे, लीवर के पास में ही अकर कर रहा था सब कुछ, अभी क्या होंगे, जो अपर बॉडी पार्ट्स होंगे वहाँ पे आएंगे, सो दैट जो मॉस्किटो है वो इनको ले जा सके अपने साथ. गैमेटोसाइट से वो फॉर्म हो गए यहाँ पे, इन गैमेटोसाइट को मॉस्किटो ने क्या किया, ले लिया जब वो ब्लड सक कर रहा था. उसके बाद जो मैक्रोगेमेटोसाइट था और जो माइक्रोगेमेटोसाइट था, इन्होंने डिवाइड होकर फॉर्म किया मैक्रोगेमेट को और माइक्रोगेमेट को, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स को इसने फॉर्म कर दिया. एज यू नो, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दे गेट फर्टिलाइज्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो जायगोट होगा वो क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया. अब ये जो जायगोट था, एज बिकॉज ये क्या हुआ है, हमारा डुप्लीकेशन हुआ है यहाँ पे, अब क्या हुआ, DNA रेप्लीकेट हुआ, और इसके अंदर क्या होंगे, फर्दर ऑन प्रोसेसेस क्या होंगी, टेक प्लेस करेंगी. ठीक है, अब क्या हुआ, DNA रेप्लीकेशन हो गया और मियोसिस टेक प्लेस किया. ये जो जायगोट था इससे बन जाएंगे ऊकाइनेट्स, ये जो ऊकाइनेट्स है ये क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे इनटू द गट वॉल, जो वॉल की, जो गट की वॉल होगी उसके अंदर ये अपने आप को फिक्स करेंगे. फिर ऊकाइनेट से ऊसाइट बनेगा, और इन ऊसाइट्स में से फिर ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे. ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे ये स्टोर हो जाते हैं इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ दैट मॉस्किटो. उसके बाद अगेन ये किसी और हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, बाइट करेगा, और उसके अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन को कॉज करेगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, और जो मलेरिया डिजीज है वो किस तरीके से कॉज होगी. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय. अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो देट आपको फ्यूचर उनके जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके. और इस चैप्टर को जरूर से जरूर रिवाइज करना, और खासतौर पर जो हमने ये मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ी है इसको तो जरूर पढ़ना. ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे.